हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूं आज की क्लास में। ओके, आज हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। ये हमारी फोर्थ क्लास है सिनोनिम्स की। ओके, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं और बहुत ही ईजी, और वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ओके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स, फ्रेज, ये सारी चीज़ें आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। हमने हिंदी में तो बहुत पढ़ा था सिनोनिम्स के बारे में, समानार्थी शब्द, लेकिन अब क्या है कि इंग्लिश के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। तो गाइस, पिछले 10 से 12 ईयर में जितनी भी चीज़ें आई हैं, मैं वही चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को, और सारी वोकेबलरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँगी जो प्रीवियस ईयरों में रिपीट हो रही। ओके, मैं इधर उधर की बहुत सारी वोकेबलरी तो अतः सागर है मैं, लेकिन मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, तो चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। और गाइस, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। सिनोनिम्स का फर्स्ट वर्ड देखेंगे। ओके, कि चलिए अब हम लोग फोर वर्ड देखते हैं आज, कुछ इंपॉर्टेंट। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है कि घिनौना, जो बहुत घिनौने लोग होते हैं ना, उसको हम लोग सॉर्डिड कहते हैं, या फिर हम इसी को सेल्फिश भी बोलते हैं, या फिर करप्ट बोलेंगे, मोरल और सीडी, इन सभी का मतलब घिनौना होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक या फिर विद्वान। ओके, वैज्ञानिक या विद्वान को हम लोग एरुडाइट कहते हैं। इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एजुकेटेड कहते हैं, लर्न्ड कहेंगे, एकेडमिक कहेंगे, लिटरेट कहेंगे, और वॉइस, इन सभी का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर वैज्ञानिक। ओके, या फिर विद्वान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिंक्विश। इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। तो हम देखेंगे इसको हम और क्या क्या बोलते हैं। इसे हम कहते हैं एबंडन, इसे हम कहते हैं एबडिकेट, इसे हम कहते हैं फोरसेक। ओके, इन सभी का मतलब होता है त्याग करना या फिर छोड़ देना। ओके, एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक जो किसी काम का नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे फूलिश, रेडिकुलस और अनरीजनेबल। ओके, ये जितने भी वर्ड मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सारे वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग पिछले देख लेना एग्जाम के पेपर निकाल के, उनमें किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे ये वर्ड। ओके, तो इन वर्डों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको अगले वर्ड बताती हूँ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे अब एमीएबल। ओके, एमीएबल का मतलब होता है सुशील, मनभावन या सौम्य या प्रिय, ये जो सबको अच्छा लगता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एमीएबल। एमीएबल का मतलब होता है एग्रीएबल, प्लीशेंट, फ्रेंडली और सोशिएबल। ओके, तो हम देखेंगे कि इन सभी का एक ही मतलब होता है, और वो सुशील और मनभावन, एमीएबल। तो ओके, इन सभी के इतने वर्ड हैं, तो ये सभी वर्डों को आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम अगला वर्ड देखेंगे एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर, और हम इसे बोलते हैं हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, ओके, एनमिटी और बिटरनेस, ये इनके सभी का मतलब होता है बैर। ओके, बैर या फिर किसी से दुश्मनी रखना। ओके, तो ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीट होते जाता है, तो आप लोग इन सभी को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 8 नंबर का एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता को हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कोल्डनेस, पैसिविटी और इनसेंसिबिलिटी। ओके, इनसेंसिबिलिटी का मतलब भी होता है उदासीनता। तो इन इतने वर्डों को हम सभी को उदासीनता कहते हैं। ओके, तो हमें हर वर्ड के कम से कम 2 से 3 वर्ड का मीनिंग हमें पता रहना चाहिए, इनके सिनोनिम्स। ओके, एपैथी का तो आपको कम से कम 2-3 याद रखना ही है। खैर, आता तो एग्जाम में एक ही वर्ड है, लेकिन हमें क्या भरोसा कभी उस समय हमें दूसरा वर्ड याद नहीं आया, और यदि वो वर्ड ना आके कोई और वर्ड दे दिया एग्जाम में। ओके, इसीलिए हमें सब याद रखना पड़ता है। डिशीव, डिशीव का मतलब होता है धोखा देना। धोखा देना मतलब मिसलेड करना, ट्रिक या फिर बिट्रे। बिट्रे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिट्रे का सिनोनिम्स बताइए, तो डिशीव या फिर दे देगा मिसलेड या ट्रिक, कुछ भी दे सकता है इन चारों में से। ओके, तो इन सभी का एक ही मतलब होता है, डिशीव, मिसलेड, ट्रिक और बिट्रे। ओके, तो आप इन
और वर्डों को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आगे के और दो वर्ड बताती हूँ, क्योंकि हमारी 10 वर्ड सीरीज चल रही है और हम इस सीरीज में सिर्फ 10 ही सिनोनिम्स करेंगे, लेकिन एक बार में याद हो जाएं। ओके, आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट दीजिए और इनको याद करते जाइए बस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अब हम लोग कि अगला वर्ड देखेंगे अब हम लोग बिनेवोलेंस। बिनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई करना, या हम इसे और क्या क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चैरिटी, काइंडनेस, गुडनेस और फिलेंथ्रोपी। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा फिलेंथ्रोपी लिख के दिया हुआ होता है। ओके, और ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। तो ये बिनेवोलेंस एक वर्ड है, भलाई करना। ओके, इसके इतने सारे सिनोनिम्स हैं। ओके, तो इनमें से हमें कोई भी वर्ड दे देता है, फिलेंथ्रोपी का सिनोनिम्स बताइए, तो हमें इनमें से कोई एक वर्ड देगा तो हमें याद रहना चाहिए ये भी। ओके, बुरिश। बुरिश का मतलब होता है जो अशिष्ट लोग होते हैं, ग्रामीण लोग जिनको कम नॉलेज होता है ना, अज्ञानी टाइप के जो लोग होते हैं, उन लोगों को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, तो रस्टिक, रूड, रफ बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड या फिर कॉमन बोलते हैं। बुरिश का मतलब होता है अशिष्ट, और इन सभी का एक ही मतलब होता है अशिष्ट। ओके, तो ये हम लोगों ने आज 10 वर्ड की सीरीज कंप्लीट कर लिया है। ओके, सिनोनिम्स की, वही सिनोनिम्स जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो गाइस आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।